मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 14। सिंक्रोनाइजेशन। लास्ट पीरियड में हमने कुछ फॉर्मूलाज स्टडी की थी और उसी फॉर्मूलाओं को यूज करके हमने सम्स किए थे। ओके, फिर से थोड़ा मैं रिवाइज ले लेती हूँ क्योंकि थोड़ा टफ है, आपको फॉर्मूला याद रखनी होती है, ठीक है। और ये चैप्टर आगे भी 9, 10 दोनों में आने वाला है, तो वो फैक्टराइज वाले तो आ गए थे ना, कॉमन फैक्टर्स निकालने वाले। अब फिर वो चार टर्म वाले थे तो दो दो की पेयर बनाकर कॉमन निकाले थे, वो भी एकदम अच्छे से आते थे, तो वो नहीं ले गए। फिर हमने वो मिडल टर्म वाले ले लेने थे, फिर से मिडल टर्म, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो उसकी फॉर्मूला मैंने लिखवाई थी ना, तीनों तीन की फॉर्मूला लिख दो। चलो फिर से फाइंड एम टी मिडल टर्म, मिडल टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई एफ टी मल्टीप्लाई एल टी, मतलब 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। तीन टर्म होती है, हमें मिडल टर्म मिसिंग दी है, वो हमें फाइंड करनी है। हम तीन तीन सम करेंगे सभी मेथड के। नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस 49। ओके, यहाँ हमें मिडल टर्म मिसिंग दी गई है, तो हमें मिडल टर्म फाइंड करनी है, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है 49, पर हमें यहाँ स्क्वायर रूट का दिया होगा, रूट में है ये। रूट में लिखना है, फॉर्मूला ऐसे रूट वाली लिखी हुई है ना, 4 मल्टीप्लाई रूट में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई इंडर रूट लास्ट टर्म। अब देखो 4 एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 तो अलग ही है, उसको कुछ नहीं, ओनली एक्स स्क्वायर है। देखो एक्स हो जाएगा सिर्फ, क्यों, अगर रूट में 4 है तो बाहर आए तो 2 हो जाता है कि नहीं, स्क्वायर निकल जाते, इस तरह से होता है 2 का स्क्वायर, ये निशानी भी कट, ये भी कट, तो आंसर आया 2। उसी तरह रूट में 9 है तो बाहर क्या आएगा, 3। रूट में 16 है तो बाहर क्या आएगा, 4 जा 16। स्क्वायर रूट के सम नहीं किए थे, सेम वन में 49, चलो 7, तो क्या आएगा 4 7 जा 28x, लिख दो ये, फिर दूसरा अपने आप दे रही हूँ। ये फॉर्मूला रख दी हमने मिडल टर्म की, फिर वैल्यू रख दी यहाँ, रूट में है ये, रूट के अंदर से जब बाहर आता है तब हम इस तरह से लिखते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर रूट है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स बाहर आया, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकल गया तो क्या बाहर आया, 7, बस ये सबका मल्टीप्लाई, वो हमारी मिडल टर्म हो गई। ये लिख दो फिर अपने आप एक दे रही, एक मैं करूँगी एक अपने आप में, फिर भी वो इधर सॉल्व करूँगी। लिखा, ये लिख दिया, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो और फाइंड करने लगो अपने आप। एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस 64 फाइंड कर दो अपने आप, तो मैं इधर सॉल्व करूँगी। वो किसका स्क्वायर है, वो बाहर आ जाएगा, एक्स
बस फॉरवर्ड मत करो, x स्क्वायर मतलब x और 64 8 का स्क्वायर रूट है, 4 8 32x, मिडिल टर्म आई हमारी 32x, ओके। अब ये मिडिल टर्म के सम आ गए अच्छे से, तो अब दूसरी मेथड के सम कर रहे हैं, अब फर्स्ट टर्म के फर्स्ट टर्म फाइंड करने के सम करेंगे, ये लिख कर रहे हैं, दिख रहा है ना? अब हम फर्स्ट टर्म की फॉर्मूला लिखेंगे, फाइंड फर्स्ट टर्म, x square is our first term.
एक करना है ये फर्स्ट टर्म का एक और कर ले रहे हैं, फिर अब तीन तीन कर रहे हैं। अब थर्ड नंबर फर्स्ट टर्म का कोई भी ले रही है, ऐसा नहीं लाइन में हमें मेथड लर्न करनी होती है, कोई नंबर हम छोड़ना पड़ती नहीं करते। चलो करो क्या आएगा, डैश प्लस 20x प्लस 100 आराम से सॉल्व करो, मैं कोई अभी है ना तुम लोगों का ज़्यादा देखना है। कोई बोला मत इधर सॉल्व करूँगी, तब चेक कर लेना। और मैथ्स में जाना है तो जब भी पीरियड हो ना हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सम्स करवाने लगो, ये बेस कच्चा रह जाएगा ना अगले साल बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ रुक ही रही हो, आराम से करो। फर्स्ट सेम में स्क्वायर ऑफ क्यूब फाइंड करने का आता था, क्यूब का आता था कि ओनली स्क्वायर का ही था, दोनों था ना। तो ये अब मैं रूट के अंदर डालूँ तो बाहर निकालूँ तो आने चाहिए ना, रूट के अंदर 144 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 12 करेक्ट, 144 किसका स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर को लर्न ही कर देना है। पर वो लर्न ही करना है, सम्स में आए ना तो तुरंत लाइट होती है, बार बार 225 आए तो वो 15 का है याद ही रख लेना, 625 है तो वो 25 का है। चलो अभी मिरर का कितनी है यहाँ, हाँ गोल गोल मत करो इधर ध्यान दो, कहाँ से यहाँ नहीं बुलाना है। लास्ट टर्म कितनी है, 100 सिंप्लीफाइड 20 का स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर लिख दोगे ना दो बार, क्योंकि वैसे भी कटिंग कर दी ही है तो भी आंसर वही आएगा ना। 0 0 0 0 कट, 2 2 4 2 2 कट, क्या आया वही x square इज द फर्स्ट टर्म। ओके अब हम लास्ट टर्म के सम फाइंड एलटी थोड़ा ही बना जा रहे हैं, बोलना बंद, फाइंड एल टी यहाँ एफ टी यहाँ एल टी यहाँ एफ टी करो अपने आप ही एल टी वाले। चलो फिर है ना देखो ये जो प्रैक्टिस उसने मिक्स में दिया है, ये जो एक्सरसाइज थी ना मिक्स में दी है, कहीं फर्स्ट टर्म कहीं मिडिल टर्म कहीं लास्ट टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस डैश करो फाइंड, एक्स स्क्वायर प्लस 30x 30x प्लस डैश लास्ट टर्म फाइंड करने है। हाँ बोलना बंद करो, इधर बोलिए
x square कट, इसका half 2, इसका half 15, 2 15 जा, अब 15 multiply 15 2 5 30 नहीं करोगे, प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई है, 15 multiply 15 2 2 5 स्क्वायर पता हो तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और 30 का स्क्वायर मतलब 90 नहीं होता, 30 multiply 30 900, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है। पहले भी कहा था ऐसे 2 raised to 3 होता है ना, तो 8 लिख देते हैं क्या, 6 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर हो ना तो भी 6 लिख देते हैं, ऐसा नहीं ना, 2 2 2 तो 8 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, क्या है फिर से बताओ। देखो 30x square, 30 का स्क्वायर मतलब दो बार 30 multiply 30 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर अपॉन 4x square, x square कट हो गए। अब ये दोनों इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड मतलब वो हाफ, 4 का हाफ 2 और 30 का हाफ 15, फिर अभी 2 बचा तो फिर से 2 15 30 और ऊपर अब क्या रहा, 15 into 15 का आंसर आएगा 225। अभी एक और अपने आप करो, मोस्टली लास्ट टर्म न्यूमेरिकल ही होती है, दिया हुआ हो ना पूरा सम, उसमें से भी एक और कोई भी दे सकती हूँ, एक कम नहीं लिखूंगी, वो फाइंड करो, जरूरी नहीं है ऐसी मिसिंग वाली, ऑलरेडी इसके जिसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं उसमें से भी दे सकती हूँ। 25x square m, हाँ खुद करो, प्लस 40xym प्लस डैश, ये वैल्यूज रख दी फॉर्मूला में, वैल्यूज रख दी, अब सिंप्लीफाई, ये जो स्क्वायर है वो 40 का भी स्क्वायर है, एक्स का भी, वाई का भी, एम का भी, सबका है, तो 40 का स्क्वायर मतलब हम ऐसे अभी 14 multiply 14 ही लिखते हैं, 40 कटिंग होगी तो रिलीज हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 4 multiply 25x square m, अब कटिंग करेंगे, x square कट, फिर m square है और यहाँ m है तो क्या होगा, अकेला m रहेगा, m square मतलब दो बार m, एक m कट हो जाए तो एक m रहा, अब 4 10 40, 5 2 5 5 5 8 2 8 16 16, देखो ये मैंने यहाँ से सम दिया हुआ 16 वाई स्क्वायर एम आ गया, देखो मैं ऐसे ही दे सकती हूँ पीछे से, कोई भी एक मिसिंग करके दे दूँ, ओके। अब एक और दे रही हूँ, फिर 2-3 ऐसे मिक्स वाले दे रही हूँ कि कोई भी टर्म फाइंड करने हो जो भी रैशनल हो, एक अभी और लास्ट टर्म का थोड़ा सा बड़ा वाला दे रही हूँ, 25m² a² प्लस सॉरी माइनस 20mn a² प्लस डैश।
ए का स्क्वायर है, एम एन ए स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू भी रखनी है, बस कटिंग कर देंगे।
इसके लिए आंसर बोलो अभी बिल्कुल भी आंसर से। थोड़ी देर के बाद ही लिख रहे ताकि अब मैं आंसर लिख देती हूँ, आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो आज हमने ये तीन टर्म फाइंड करने के सम्स किए, तो नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरी फॉर्मूला लिखेंगे और उसके रिलेटेड सम्स सॉल्व करेंगे।